नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अपने घरों में आप लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग अपने पापा जी की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। उनका मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अपने पापा को तो मैं 13 साल में खो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा मान दिया, सम्मान दिया, हमेशा गौरवान्वित किया और एक अच्छे राह पे चलने की हमेशा शिक्षा दी। और आज 24 जुलाई के दिन, आज 13 वर्ष पूर्व वो हमें छोड़कर चले गए थे, और जिसका आज दुखद दिन है, लेकिन हम उसे एक याद के रूप में, एक स्मृति के रूप में, एक उनको श्रद्धांजलि के रूप में देना चाहते हैं। और वो रामस्व सत्संग से जुड़े हुए थे, आचार्य के पोस्ट पे थे, और हम लोग इसी सत्संग को हमेशा बरकरार रखते हुए हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ले जाएंगे आगे, और हम इससे जुड़े हुए हैं और इससे बहुत शांति मिलती है। और हमारे आध्यात्मिक गुरु का ध्यान हमें सभी करना चाहिए, क्योंकि गुरु सबको पता है कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसी के साथ चलिए हमारे सत्संग की शुरुआत हम करते हैं, और उसके बाद आप लोग पल पल की सत्संग की बातों को देखेंगे, उनके भजन को सुनेंगे, और उनकी कामना करते हैं ईश्वर से कि वो जहाँ भी रहें हमेशा सदैव खुश रहें और हम लोग पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। Three.
बड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ। मेरी नाम भवर ढूंढे, मेरी नाम भवर ढूंढे, तुमसे पार लगा दे गुरुदेव दया कर मुझको अपना ले। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, दुख का मारा पड़ा तेरी
तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना कहाँ पाए कृपा।
जिनका नाम डॉक्टर परशुराम प्रसाद वर्मा था, वो इतने अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे कि उन्होंने सभी को संभाला। हमारे परिवार के जितने लोग भी हैं वो सारे लोगों को एक सूत्र में बांध कर चलते थे और हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी कि लोगों में कभी कमियां को नहीं ढूंढते थे, हमेशा उनकी खूबियों को ढूंढते थे और हमेशा ये कहते थे कि हर मनुष्य में कमियां तो है लेकिन हमें उनकी कमियां नहीं, उनकी खूबियां जान। वो जहाँ कभी भी जब हम विपत्ति में होते हैं तो हमें ये लगता है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा है। इसलिए हम ये मानते हैं, मेरा ये मानना है कि उनका बोले उन्होंने सभी को अपने पैरों पे खड़े होने में बहुत मदद की और जिससे मैं नौकरी पे जा रही थी उन्होंने यही मुझे बताया कि हमेशा अपने कार्य को सेवा और ईमानदारी और लगन से करो ताकि पूरे जीवन में कभी भी किसी के आगे आपको अपना सर झुकाना ना पड़े। इसलिए उन्हीं के कदमों, वो एक बहुत ईमानदार अफसर थे और उन्हीं के कदमों तले सारा परिवार हमारा चलता है, वो हमारे बीच आज नहीं है और आज हमारा परिवार और उनका हर बच्चा उनके कृतज्ञ हैं, उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने सभी पहले में घुसा ना। स्वामी बंधु जस स्वामी स्वामी द्रविण हमारी सत्संग जिसको आपने देखा, ये रामाश्रम सत्संग है, इससे सभी लोग जुड़ सकते हैं और इसमें कोई बंदिश नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप गुरु का ध्यान अगर सुबह शाम करते हैं तो मन को काफ़ी शांति मिलती है, मन की विचलितता दूर होती है और हम जो हैं आज गुरु को अपना स्थान सर्वोच्च देते हैं और हमेशा से देते आए हैं। आज की ये पुण्यतिथि में हम ये कामना करते हैं कि मेरे पिता मेरे पापा जी जहाँ भी हैं वो हमेशा हमेशा वो शांति से रहें और हम लोग पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनकी बहुत सी बातें हैं, मेरे जो पापा जी की बहुत सी बातें हैं, वो मुझे आज भी मेरा सही मार्गदर्शन करती है, उनके मार्गदर्शन के लिए पे मैं चलती हूँ और उससे मैं काफ़ी लाभान्वित हूँ और वो मेरा अग्रिम जो भविष्य है उसी पर निर्भर करता है। और इसलिए अगर मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं आगे भी वीडियो आप तक लेती हूँ। ये मेरे परिवार की बात है, आप लोग भी मेरा परिवार है, इसलिए मैं सारे लोगों को इसमें शामिल करती हूँ। धन्यवाद।